ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन फील्ड में अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। वो इन दिनों लीजेंड्स क्रिकेट लीग के लिए भारत में हैं, लेकिन फील्ड में उनको अपने इसी रवैये के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल लीजेंड्स क्रिकेट लीग मैच के दौरान उनका और यूसुफ पठान के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। लेकिन अब लीजेंड्स क्रिकेट लीग की तरफ से उन पर एक्शन लिया गया है। लीग द्वारा जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस बाएं हाथ के गेंदबाज को इस व्यवहार के लिए चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, उन पर उनके मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें इस लीग के कमिश्नर रवि शास्त्री द्वारा फटकार भी लगाई गई। स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया कैपिटल के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को रविवार को लीजेंड्स लीग मैच के दौरान तीखी बहस में शामिल होने के लिए चेतावनी और मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। इससे पहले घटना की विस्तृत जांच के बाद लीजेंड्स क्रिकेट लीग कमिश्नर रवि शास्त्री की अध्यक्षता में एक अनुशासन समिति ने गेंदबाज को दंडित करने और उसे आधिकारिक चेतावनी भेजने का ऐलान किया। दरअसल इंडिया कैपिटल और भीलवाड़ा किंग्स के बीच रविवार को खेले गए क्वालिफायर मैच में दोनों खिलाड़ी मैच के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए थे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर को बीच में आना पड़ा और तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। दरअसल दोनों के बीच इस बहस की शुरुआत तब हुई जब इस मैच के दौरान यूसुफ पठान ने उनके पहले 3 गेंदों पर 6-4 और 6 रन मारे। आपको बता दें कि इंडिया कैपिटल्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है, जहां बुधवार को उनका मुकाबला भीलवाड़ा कैपिटल्स से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।